अस्सलामुअलैकुम, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ में मैथमेटिक्स की टाइम रीड कैसे करें, तो इस चैप्टर पे हम हैं आज। तो इसके प्रीवियस पार्ट में हमने एक समझो एक छोटी मोटी कहानी जैसी है वो पढ़ी थी, वो सुनी थी कि किस तरह सालिम अपने नानू के घर है, तो वहाँ उससे बड़ा मज़ा आ जाता है। वहाँ जब वो बैठता है तो वो बहुत है ना, तो फिर उसका जो वहाँ मन लग जाता है, घर आना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ के सिबलिंग उसके कज़न्स जो थे वो थे। तो एटलीस्ट क्या होता है कि जो सालिम है तो उसकी जो अम्मा उसे कहती है आप पैक वैक करो, तो इवनिंग में हमें 5:30 बजे 5:30 निकलना है। तो वो कहता है काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि गाड़ी वाड़ी हमारी जो गाड़ी नहीं जो ट्रेन है वो मिस हो जाए। तो अब जब वो उसके अपने पेरेंट्स के साथ वो स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं 5:15 यानी 5:15 बजे, तो वहाँ पता चलता है इनको कि हमारी ट्रेन तो छूट गई है, वो मिस हो गई है ना। तो ये बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये यही चाहता था। अब ये आपको बताना है आपके लिए, कल के लिए ये आपके लिए था सवाल क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक कि वो आप गैस करो ठीक है ना, कि उन्होंने ट्रेन को क्यों मिस किया। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपने क्या सोचा और यहाँ क्या कह रहे हैं, तो लेट अस सी। हाँ, तो मसला ये होता है एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:05 in morning. Salim's parents were upset. They asked the station master. तो मसला ये हुआ जो ट्रेन थी वो सुबह के 5:30 बजे छूट गई थी, वो निकल गई थी। तो ये कब गए थे? ये गए थे 5:00 बजे है ना, यानी 12 घंटे का जो फर्क था, तो उसमें ट्रेन वहाँ तो रहती नहीं, तो ये तो सीधी सी बात है। इसलिए इनकी जो ट्रेन थी वो छूट गई थी। इनको टाइम, इनकी जो बुकिंग थी वो मॉर्निंग की थी, मॉर्निंग मीन सुबह की थी, तो ये वहाँ पहुँच रहे हैं शाम को। ठीक है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गए गाड़ी पे, आपको कहीं जाना था है ना, आपके स्टेशन से यानी जहाँ से है ना अड्डा वगैरह है या बस स्टेशन है या बस तो या बस स्टॉप है, वहाँ पे गाड़ी रुकती थी, आप उस टाइम पे है ना पहुँचे या किस टाइम पे, तो गाड़ी छूट गई थी, गाड़ी निकल गई थी। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछें, अपने दोस्तों से पूछें और उनसे पूछें क्या कभी ऐसा हुआ है, जब ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया, तो क्यों हुआ। ठीक, अब इनके साथ क्या हुआ, तो ये गए स्टेशन मास्टर के पास। ठीक है, ओवर टिकट सेज 5:05 ये कह रहे हैं। ठीक है ना, इसका फादर इसको मास्टर को स्टेशन मास्टर को, बट सर इट मीन्स 5:05 इन द मॉर्निंग। तो इसका स्टेशन मास्टर जो था उसने कहा हाँ ये तो है, बट तुम्हें पता है सर जनाब ये मॉर्निंग के 5:30 हैं, आप इवनिंग में आ रहे हो तो ये मॉर्निंग में, ये ऐसा नहीं है। हाँ, ओ यस, हाउ कुड फॉरगेट दैट। हाँ, अब इसका जो फादर है उसने क्या कहा, आए हो इस पर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, कोई काम इधर उधर हो जाए तो हम अचानक सर अपना पकड़ लेते हैं ना, कभी कभार कुछ की क्या आदत होती है ना, अक्सर कुछ की आदत होती है, सर पे हाथ रख देते हैं, सर पकड़ लेते हैं है ना, कुछ जब अपसेट हो जाते हैं, तो ये अपसेट हुए इसने ऐसे सर, ओहो मैं ये कैसे भूल गया है ना, यानी मैं तो भूल गया था ये है ना। द रेलवेज विल राइट 17:30 या 17:30 5:17 फॉर 5:30 इन द इवनिंग। कहा कि क्या है, रेलवे का ये रूल है, रेलवे का जो टाइम टेबल होता है वो इस हिसाब से होता है, 24 आवर्स के हिसाब से होता है, तो इवनिंग के लिए 5:30 की बजाय वो 17:30 लिखते हैं। ठीक है ना, 17:30 इसके बजाय वो जब इवनिंग में, तो वो जो मॉर्निंग के लिए वो कहाँ क्या लिखते हैं 5:30
और इवनिंग के लिए 5:30 का जो टाइम होता है इवनिंग में होता है, जो शाम में होता है उसके लिए 17:30 लिखते हैं। वाई, तो अब कौन पूछ रहा है, अब सालिम पूछ रहा है क्यों ऐसा क्यों है कि वो ये क्यों लिखते हैं, यानी सीधा टाइम क्यों नहीं लिखते हैं जिस तरह नॉर्मली है हमारी घड़ियों पे, यानी 12 ही हर्फ हैं, 12 हिंस हैं, 12 डिजिट हैं, ये 12 नंबर हैं, तो वही उसके हिसाब जिस तरह हम 5:30 कह रहे हैं सुबह के, 5:30 शाम के, या 5:30 इवनिंग, या 5:30 मॉर्निंग, 5:30 5 मॉर्निंग या इवनिंग, तो ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसा क्यों लिखते हैं। तब इसकी मम्मा कह रही है बिकॉज दे यूज़ अ 24 आवर्स ऑफ क्लाक, 24 आवर क्लाक। तो इसकी मम्मा कहती है ये इसलिए है क्योंकि वो 24 आवर क्लाक यूज़ करते हैं, यानी 24 घंटे की जो घड़ी है उनकी, वो 24 घंटे के हिसाब वाली घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन एट 12 o'clock ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे। उसकी माँ कह रही है कि जो 12 hours क्लाक होती है, 12 घंटे वाली जो घड़ी होती है, तो उसमें हर टाइम कितनी बार आता है, 2 बार आता है। ठीक है ना, क्योंकि 24 घंटे हैं पूरे दिन में, 24 घंटे होते हैं, और जब 12 ही लिखा है तो 2 बार टाइम आता है, यानी 5:30, 1, 2 हर टाइम 2 बार आता उसमें। सो 5:30 इन मॉर्निंग इज़ 5:30 AM, 5:30 इन इवनिंग इज 5:30 PM। तो जो 5:30 है ना इवनिंग मॉर्निंग में जब होगा तो हम 5:30 AM लिखेंगे सुबह के वक्त में AM, और जो शाम का वक्त होगा उसमें जो 5:30 बजेंगे उसको PM लिखेंगे। ठीक है, यहाँ के लिए क्वेश्चन है AM और PM, ठीक है ना, ये इसका क्या है, ठीक है ना, कब से शुरू होता है, AM कब से, PM कब से। ठीक है, व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून। तो अब ये पूछ रहा है तो ठीक है कि जो 12:30 दोपहर के हैं तो उसको क्या लिखा जाएगा। ठीक, अब इसकी मम्मा कह रही है दैट इज़ 12:30 PM, जो दोपहर के 12:30 होंगे उसे हम PM लिखेंगे। आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज़ PM टिल midnight, 12 बजे जो हैं 12 o'clock एट नून, ठीक, तो उसके बाद दोपहर के 12 बजे के बाद जो भी टाइम आएगा हम PM लिखेंगे आधी रात तक, यानी रात के, ठीक है, जब रात के फिर 12 बजेंगे तो उससे अगले नून तक हम क्या लिखेंगे AM, और दोपहर के 12 बजे से रात की मिडनाइट तक हम लिखेंगे PM। ठीक, यहाँ तक आपने समझा PM। फॉर एग्जांपल हमें आज जिस तरह, ठीक, कि आपका स्कूल कितने बजे, यानी इन नॉर्मल डेज या बिफोर लॉकडाउन या लॉकडाउन के बाद जब स्कूल रीओपन हो जाएंगे, फंक्शन करेंगे, तो कितने बजे हमारे स्कूल यानी ओपन होते हैं, खुलते हैं, तो सिंपली वो होते हैं, ठीक है, 10 o'clock यानी 10 AM पे, क्यों कि ये PM जो है और वो 12 बजे नून के बाद शुरू होता है, और क्लोज कितने होते हैं 4 PM, ठीक है ना, क्योंकि ये नून के आफ्टरनून के 12 बजे के बाद है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट राइट हियर यूजिंग AM एंड PM। तो आप नोट करें सनसेट सूर्य ग़ुरूब होने का वक़्त, यानी और सनराइज सूर्य चढ़ने का वक़्त, ठीक है ना, आप सनराइज टाइम ऑफ सनराइज सूरज कब चढ़ता है, तुलू होता है, वो यहाँ लिखना है, ठीक, और सूरज कब डूबता है यहाँ, जैसे आज की डेट में सूरज जो निकलता है वो सुबह के
günü 8 50 इसके लिखेंगे हम AM, ठीक है। और रात डूबते कितने बजे, शाम कितने बजे होती है, 7:30 उसके लिखेंगे हम PM, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, वायर हैव यू सीन ए 24 क्लॉक बींग यूज, क्या आपने कभी 24 घंटे वाली घड़ी जो है वो कहीं यूज होते हुए देखी है? अगर देखी है किन किन जगहों पे, एक जगह आपको पता चल गया, जैसे रेलवे स्टेशन टाइम टेबल जो है, ठीक है ना, रेलवेज इस तरह, और देखें वो कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे हो रही है, ये आप मालूम करें। तो कल की वीडियो में हम ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी मालूम करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।